सर कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो खुलन की परमिशन देती है, पर कॉलेज वालों पूरा असी पुख्ता अरेंजमेंट किया हो। हर स्टूडेंट्स पहले गेट के फ्रंट गेट पर टैंपरेचर चैक होंगे, सैनिटाइज हाथ करके फिर अंदर एंटर करते। वीकली हफ्ते च दो बारी कॉलेज फुली बिल्डिंग सैनिटाइज हो रही है। कॉलेज जिन्हें भी जिथे भी हैंडल है पकड़न वाले, कोई भी दीवार वाला पोर्शन है, दरवाजे खिड़कियाँ जो भी है, सारा कुछ असं सैनिटाइज करवा रहे हैं। क्लासेस के बीच सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस लग रही हैं, टीचर भी मास्क पा के या उन्होंने सारा गाइडेंस दे रहे हैं। लैक्चर्स अच्छी तरीके ना हो रहे हैं। मैं जिस तरीके पिछले कॉलेज बंद रह गया, तुहाडे वल्लों ऑनलाइन क्लासेस जिहड़ियां हैगियां काफ़ी चालू रखियां सी, जे हुण बच्चे पूरे ने आउंदे ते क्लासेस ऑनलाइन चलणगियां नाल? हाँ जी सर, असीं 16 नवंबर तो लैके 21 नवंबर तक असीं पेरेंट्स की ऑनलाइन मीटिंग भी रखी है। जिहड़े स्टूडेंट पेरेंट्स कंसेंट लैटर सानूं देणगे उन्हां नूं ही परमिशन दित्ती जाएगी, जिहड़े नहीं दे रहे उन्हां वास्ते असीं ऑनलाइन कोचिंग इस तरह ही जारी रहेगी। की कहोगे तुसीं पेरेंट्स नूं जी, की एक मैसेज दोगे जी? पेरेंट्स वास्ते ये है भी सब तो वध मतलब कि जिहड़े अमुल्य साढ़े ना साढ़े बच्चे है, सब तो सेफ्टी उन्हां दी है, असी पेरेंट्स दे नाल है। यह कॉलेज स्टूडेंट प्लस पेरेंट्स दे नाल ही चलेगा, उन्हां दे व्यूज़ ने नाल ही चलेगा। जो उन्हां नूं चंगा लगेगा असी उहदे अकॉर्डिंग अपने आप नूं मोल्ड करके अगे तुरांगे। बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पहले दो बच्चों के आने से पहले बच्चों को ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से उन्हें कॉलेज में आना है, कैसे अपने आप को पूरा मास्क पहनकर आना है, सैनिटाइज करना है आते ही कॉलेज में, कैसे अपना टेम्परेचर चेक करवाना है और कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को आदत है व्हेनेवर दे कम इन द कॉलेज दे ट्राई टू हग देयर फ्रेंड्स, दे ट्राई टू शेक देयर हैंड्स विद ईच अदर। तो हमने इनको कहा है कि मिलो, जरूर मिलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैल रही है। तो सभी तरह की इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दी गई हैं। उससे पहले हमने पेरेंट्स की कंसेंट भी ली है, बिना उनकी कंसेंट के बच्चों को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। पहले उनकी कंसेंट, पेरेंट्स की कंसेंट ली गई है, फिर ही अगर वो विलिंग है तो ही वो बच्चों को भेज रहे हैं। हम बच्चों को अभी ब्लेंडिंग मोड पर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग। जो बच्चे विलिंग है आना चाहेंगे अपनी पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन से और कंसेंट से, उनको वो आ सकते हैं। और जैसे जैसे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस रहेंगी, जैसे जैसे हमें ऊपर से आदेश होंगे बच्चों को बुलाने के, और जो भी यूनिवर्सिटी के नियम रहेंगे, गवर्नमेंट के नियम रहेंगे, हम सभी उसका पालन करेंगे। और कॉलेज अपनी तरफ से पूरा तैयार है, पूरा सैनिटाइजेशन का प्रबंध है और बच्चों के टेम्परेचर चेक करने का, किस तरह से बच्चे डिस्टेंस में रहकर क्लासेस लगाएंगे, हमने अपनी तरफ से कॉलेज की मैनेजमेंट ने। सर बहुत वधिया लग रहा, पहला असीं ऑनलाइन क्लासेस लाउंदे डिफिकल्ट सीगा, सानूं कोई चीज़ नहीं समझ आउंदी सी, सानूं सोचदी सी हाई कॉलेज कदों स्टार्ट होणगे, टीचर तो कदों समझांगे, हुण असीं फेस टू फेस टीचर नाल गल करांगे, सानूं ईजीली समझ लगेगा सारियां चीज़ां। करोना नूं देखदे हुए अज किन्नियां सावधानियां वरत रहे हो तुसीं? सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखना पैंदा कि जिहदे नाल आपां नूं बहुत बीमारी जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा फैलदी पई आ, ते ना कहिंदे वी सैनिटाइजर वगैरह अपना यूज करके रखना चाहिए वा, अपने कोल होना चाहिए वा हमेशा, कि आप दीदी नाल कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉर फ्रेंड्स नाल आप हैलो हाई सारे करते हैं, पर हम अपन इन्ना क जरूरी है कि उन्होंने तो कि दूरों ही हाई करनी चाहिए है, कि नेड़े नहीं होना चाहिए उन्होंने, ये बीमारी जी बहुत। कॉलेज आके बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह अं पहले ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे थे, स्टडी तो मतलब चल रही थी उदा, पर हम जो टीचर्स नाल इंटरैक्ट करते हैं थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव ओवरऑल स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव। कॉलेज वालों केड़ी केड़ी सहूलत दिखाई जा रही हैं जिमें कि कोरोना देखते हुए? हाँ जी, कॉलेज वालों स्ट्रिक्ट प्रीकॉशनस मतलब दसे गए ने, पहला जिमें सैनिटाइज करना, उस तो बाद सारा टैंपरेचर वगैरह चैक होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते पे हैं, इस तरह बस अभी कॉलेज वालों। अपने फ्रेंड को किमें मिलते पे इस वक्त? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ।